आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए, तो मैं भर दूंगी भंडार। जिस प्लेटफार्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती ना, सब्जी बघारती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते, मैं अरियो जगदम्बा, विचार तो करो, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सब में ही तो वही समाया है, घर में जो सास रहती है वो भी तो मां है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। महाराज फिर क्यों लिया चक्र? तुम चक चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया आखिरी में, फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डाली, नमक ना डाला, फिर भी घर में एक पूड़ी खाते होगे, वहां चार निपटा क्या होगे? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है, और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से दो बूंद टपका के पहले चख ले रही, बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो, पर चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मैं उकल रही, मैं से चाय की चन्नी से लेके फिर चख ली, कैसे आए रे अन्नपूर्णा ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है, हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भर आ गई, शांति कहां से होगी? वहां इतना किचकिच भरा हुआ है, प्रेम करुणा वात्सल्यता स्नेह समर्पण समाप्त हो गया।